नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में अलग अलग जगहों पर कई देव मंदिर मौजूद हैं। सनातन धर्म के प्रमुख देवों में से एक भगवान शिव भी इन्हीं प्रमुख देवों में से एक है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो अत्यंत अनूठा और विशेष रहस्य वाला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय से केवल 106 किलोमीटर दूर धर्मराजेश्वर मंदिर अपने आप में अनूठा है। धामनगर मूल नाम वाले इस मंदिर को विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसमें शिखर पहले बना और फिर नीचे का हिस्सा बाद में। गुफा मंदिर के नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है और ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना भी है। ये मंदिर भगवान शिव और विष्णु को भी समर्पित है। इसके चारों ओर 1415 मीटर में 7 छोटे मंदिर हैं। हर मंदिर अलग देवता को समर्पित है। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ बड़ा शिवलिंग भी है। यहाँ 170 गुफाएं हैं जो जैन सभ्यता से भी संबंधित है। गुफाओं में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, नोमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और महावीर के रूप में वर्णित 5 मूर्तियां पाई गई हैं। हालांकि 5 होने से स्थानीय लोग इन्हें पांडवों की मूर्ति भी मानते हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर की जो वास्तुकला है वो एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। ये मंदिर एकात्मक शैली का बना हुआ है। इसके केंद्र में 14.53 मीटर की ऊंचाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाला एक बड़ा पिरामिड के आकार का मंदिर है। मंदिर के शिखर को उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों से उकेरा गया है। मंदिर जमीन के अंदर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। धर्मराजेश्वर मंदिर भले ही जमीन के अंदर बना है, लेकिन सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह तक जाती है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान सूर्य घोड़ों पर सवार होकर शिव और विष्णु के दर्शन करने आए हों। ये प्रदेश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है और ये आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देता है। अगर आप भी इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपने यहाँ पहुँचना है। ये मंदिर मंदसौर से करीबन 140 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर एक चांदवास गांव है, लेकिन गांव से भी ये 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। मंदसौर, सीतामऊ और बेसई से कुरवान होकर मेलखेड़ा और वहाँ से चंदवास जाना होता है। दूसरा रास्ता मंदसौर से सुआसारा, शामगढ़ से मलखेड़ा होते हुए मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। अगर आप रेल मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो शामगढ़ रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो आप इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से ये मंदिर 167 किलोमीटर है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।